ये है माउनो का कंडेंसर माइक्रोफोन। लगभग एक साल से मैं बोया का BY-M1 यूज कर रहा था, तो मैंने सोचा थोड़ा सा अपग्रेड किया जाए। तो चलो जल्दी से इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। अमेजोन से मैंने इसे ऑर्डर किया था, तो पीछे की साइड में इसका बिल चिपक कर आता है। अगर इसके MRP की बात करें तो 4999 का ये मिलता है अमेजोन पर, लेकिन मुझे ये 2700 का मिल गया। तो चलो अब देखते हैं कि बॉक्स के अंदर क्या क्या आता है। बॉक्स ओपन करने पर आपको सबसे पहले मिलता है एक विंड मफ जो हवा को रोकता है, और इसके साथ में होता है पॉप फिल्टर जो आपकी वॉइस क्लियर करके भेजता है। फिर इसे हटाने के बाद आपको मिलता है एक XLR to 3.5mm केबल जो आपके माइक से कनेक्ट होगी, और साथ में आती है एक वाई अडेप्टर केबल जो आपके मोबाइल से कनेक्ट होगी और XLR केबल से। साथ में मिलता है एक शोक माउंट जिसमें आपका माइक्रोफोन कनेक्ट होगा। कुछ इस तरीके से प्रेस करके आपको इसमें अपना माइक्रोफोन लगाना होगा। और यह है बूम आर्म जो आपकी टेबल वगैरह में आप लगाओगे माइक यूज करने के लिए। और साथ में दो स्ट्रिप भी आती है जिससे आप अपने वायर्स को बांध सकते हो ताकि वो इधर उधर ना भागे। फिर आपको मिलता है एक टेबल क्लैंप जिसमें आप अपना बूम आर्म लगाओगे। फिर इसके बाद आता है सबसे मेन आइटम आपका माइक। ये देखने में काफी प्रीमियम लुक देता है और वेट भी ठीक है, आपको ये बिल्कुल भी लोकल फील नहीं देगा। और इस वीडियो में पूरा वॉइस ओवर इसी माइक की रिकॉर्डिंग से है, तो कमेंट में बताना कि कैसा लगा ये आपको माइक। और अगर आपको बोया BY-M1 और माउनो के वॉइस का कंपैरिजन चाहिए तो कमेंट में जरूर बताना।